नमस्ते सदावसली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारत का बांग्लादेश का सीक्रेट प्लान क्या है, आज आप इस सेशन में यही जानने वाले हैं। चार महीने में दूसरी बार बांग्लादेश पहुंचे हैं भारतीय वायुसेना के चीफ आरकेएस भदौरिया जी। ये पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जी 3 दिन की ढाका की यात्रा पर पहुंचे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि 4 महीनों में ये दूसरी यात्रा है उनकी बांग्लादेश की। इससे पहले वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में ढाका गए थे। यही नहीं, वायुसेना प्रमुख के बांग्लादेश दौरे से 2 महीने पहले थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी ने भी बांग्लादेश का दौरा किया था। उम्मीद ये जताई जा रही है कि एयर चीफ मार्शल अपने बांग्लादेश समकक्ष के साथ बैठक करेंगे और सैन्य सहयोग पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि लद्दाख में भारत के साथ उलझा चीन इन दिनों एशिया खास करके हिंद महासागर क्षेत्र में आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि चीन की चाल को जवाब देने के लिए भारत और अमेरिका दोनों चौकन्ने हो चुके हैं। चीन भारत को चौतरफा घेरने की रणनीति बना रहा है। चीन म्यांमार की सैन्य सरकार के जरिए बांग्लादेश तक सड़क मार्ग बनाने में जुटा हुआ है। शेख हसीना के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश के तेवर बदले बदले से नजर आए हैं। अब वो चीन के इंफ्रा प्रोजेक्ट पर तवज्जो दे रहा है। पिछले साल बांग्लादेश ने सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल का ठेका चीन की कंपनी को दे दिया, जबकि सिलहट भारत की उत्तर पूर्व सीमा से सटा है और संवेदनशील इलाका माना जाता है। इसकी मदद से चीन भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके पर नजर रखने का प्लान बना रहा था। यही नहीं, चीन बंगाल की खाड़ी में भारत को घेरने के लिए हर हाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। यही कारण है कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की पूरी दुनिया ने आलोचना की, लेकिन चीन ने हर कदम पर म्यांमार की सेना का पक्ष लिया। उसने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद और मानव अधिकार परिषद में म्यांमार की आलोचना करने वाले प्रस्ताव पर वीटो किया था, जिसके कारण ये था कि म्यांमार की सरकार यानी कि आंग सांग सू ने चीन के प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी, जिससे कि बांग्लादेश तक चीन तक पहुंचने का जो सपना था वो प्रभावित हो रहा था। आपको बता दें कि चीन ने बांग्लादेश में $26 अरब का इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि $38 अरब इन्वेस्ट करने की भी बात कही है। इसके साथ ही बांग्लादेश उन देशों में शामिल हो गया है जहां पर चीन ने आधारभूत संरचना में सबसे अधिक निवेश किया है। बांग्लादेश चीन से लगभग $15 बिलियन का आयात करता है, जबकि चीन को बांग्लादेश से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं की कीमत आयात के मुकाबले बहुत कम है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक कूटनीति खेलने में जुटे चीन ने बांग्लादेश के 97% उत्पादों पर टैक्स हटाने की घोषणा की थी। चीन के इस बड़े ऐलान से बांग्लादेश काफी खुश हो गया है और इसे चीन और ढाका के संबंधों को मील का पत्थर बताया गया था। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि फिशिंग और चमड़े के उत्पादों सहित 97% वस्तुओं को चीनी टैरिफ से छूट दे दी गई है। वहीं बात करते हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख की यात्रा की। आपको बता दें कि पिछली बार फरवरी में जब आरकेएस भदौरिया जी बांग्लादेश पहुंचे थे, तब दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर डील फाइनल हुई थी, जिसमें भारत कई उन्नत हथियारों को बांग्लादेश को देने के लिए राजी हुआ था। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच सैन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग, हवाई सुरक्षा की मजबूती, बंगाल की खाड़ी की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी। बता दें कि एयरो इंडिया 2021 के दौरान बांग्लादेश की वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल मसीहुज्जमा शेर नियाबत भारत पहुंचे थे। उन्होंने भारत के स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरी थी। यानी कि भारत एक और फ्रंट खोलना चाहता है चीन के खिलाफ बांग्लादेश के रास्ते, और इसके लिए जबरदस्त तरीके से संबंध बनाए जा रहे हैं, खासकर कि सैन्य रूप से। और अगर ऐसे में भारतीय वायुसेना को एक्सेस मिल जाता है बांग्लादेश का, तो ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक फ्रंट बन जाएगा, जिससे कि चाइना का किसी भी तरीके का मुकाबला, खासकर कि अगर वो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते करने की कोशिश करेगा, तो उसको जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत का नॉर्थ ईस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो एयरबेस है वो हाशिमारा है, और ऐसे में एक और एयरबेस अगर भारत को बांग्लादेश में मिल जाएगा तो ये भारत के लिए मुश्किलों को आसान बना देगा। लेकिन इसके लिए बांग्लादेश को और ज़्यादा मनाना पड़ेगा, उसके साथ और बेहतर कुटिल राजनयिक और सैन्य संबंध बनाने भी होंगे। तो चीन की ये जो परियोजना है वो सब खटाई में पड़ जाएगी और चीन बैकफुट पर आएगा, क्योंकि म्यांमार में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है उससे चीन की मुश्किलें आसान तो हो गई थी, और ऐसे में भारत की उपस्थिति बांग्लादेश में चीन के प्रोजेक्ट्स पर पानी फेर सकती है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट प्लान क्या है वो भारतीय सेना, वायुसेना और भारत की सरकार जानती है। किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है चीन को घेरने के लिए और किस तरीके से यहाँ पर अपने आप को मजबूत बनाना है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्रा है आरकेएस भदौरिया जी की, ताकि वहाँ पे भी भारत की मौजूदगी बढ़ सके, यानी कि बांग्लादेश में, और चीन को काउंटर किया जा सके। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।